गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई एम हेयर डिस्कस अबाउट चैप्टर 13 यूज ऑफ इज एम एंड आर। आज हम इज एम आर का यूज आपको बताएंगे। इज एम आर हम कहाँ यूज करते हैं ये आपको बताएंगे। टेंस के हम आपको पिछली चैप्टर पढ़ा चुके हैं। टेंस के टू पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। तो हम जब ये हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, और अगर प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। बहुवचन में आर लगाएंगे और एक वचन में इज लगाएंगे, और हमेशा आर के साथ एम का यूज करते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, तो वहां पे क्या यूज करेंगे, एम लगाते हैं। आइए हम देखते हैं यूज ऑफ इज, इसका यूज देखते हैं। माई फ्रेंड इज फैट, मेरा मित्र मोटा है। मित्र कितने हैं, एक। माई फ्रेंड मेरा दोस्त या मेरा मित्र क्या है, मोटा है। My friend is fat. Second है, he is my father. वह क्या है, मेरे पापा है। तो क्या है, सब्जेक्ट हमारा एक वचन है ना, तो यहाँ पे क्या यूज हुआ, is, और यहाँ पे भी is। नेक्स्ट देखेंगे यूज ऑफ am। am मस्ट का यूज देखना है, जब सब्जेक्ट अपने बारे में बता रहा हो या I के साथ हमेशा am का यूज होता है। I am your friend, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। I अपने बारे में सब्जेक्ट बोला ना, तो I am your friend। I am a good student, मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, अच्छा छात्र हूँ। तो यहाँ पे am का यूज हुआ। यूज ऑफ आर, जब सब्जेक्ट हमारा क्या हो, प्लूरल हो, जैसे तुम, I, we, they, you, सॉरी आई डी वी दे यू, ये सब क्या होते हैं, हमारे प्लूरल होते हैं। जैसे यू, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। यू मतलब आपका प्लूरल में आता है। कंप्यूटर्स आर कॉस्टली, कंप्यूटर्स कंप्यूटर नहीं, सब्जेक्ट एक वचन नहीं है, कंप्यूटर्स मतलब कई कंप्यूटर, बहुत सारे कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर्स आर कॉस्टली, कंप्यूटर्स क्या है, महंगे हैं, है ना, कॉस्टली हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर। आप सिंगुलर के साथ क्या यूज करेंगे, इस यूज करेंगे, और आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है, और प्लूरल के साथ हमेशा आर का यूज होता है। ओके बेटा, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।